Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. मेरा नाम है रियाज खान and we are back with new video. आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनबोलोन. बहुत ही फेमस स्टेरॉइड है और मेरे को लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्रेनबोलोन पे वीडियो बनाओ, ट्रेनबोलोन. तो चलिए फिर आज बनाते हैं ट्रेनबोलोन के ऊपर. तो गाइस ट्रेनबोलोन के जन्म से शुरू करते हैं. ट्रेनबोलोन का जन्म हुआ था 1963 में. 1963 में ये दवा पेटेंट करा दी गई थी, मगर उसके बाद करीबन 1970 में दवा एक्चुअल में मेडिकल यूज के लिए आई, मगर ह्यूमन के ऊपर इसका यूज नहीं किया जाता था. इस दवा का, इस मेडिसिन का यूज किया जाता था कैटल्स के ऊपर. जो मरने वाले होते थे, नियर टू डेथ होते थे, तो उनको इंजेक्ट कर दिया जाता था ताकि मसल मास बढ़ जाए और उनको अच्छी कीमत पे बेचा जा सके. ये ट्रेनबोलोन का यूज किया जाता था. पढ़ने से पहले जान लेते हैं ट्रेनबोलोन की साइंस, कैसे काम करती है ये ड्रग. ट्रेनबोलोन ड्राइव की गई है नेंड्रोलोन से, यानी कि डेकाडेरोबिलिन को मैनिपुलेट करके ट्रेनबोलोन बनाई गई. जो डेका के पास प्रॉपर्टीज थी उनको और एनहांस किया गया जब ट्रेन को बनाया गया. तो साथ में जब डेका को जब एनहांस कर रहे थे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी एनहांस हुए, साथ में उसकी क्वालिटीज भी एनहांस हुई. यानी कि डेका के अंदर जो है वाटर रिटेंशन होती है. जब ट्रेनबोलोन की बात आती है, जैसे ये जीरो वाटर रिटेंशन की तरफ बढ़ जाती है, साथ ही साथ ये जीरो एस्ट्रोजेनिक है. वहीं 20% या 30% तक एस्ट्रोजन कन्वर्जन करता था. ट्रेनबोलोन के केस में वो कन्वर्जन जीरो हो गई, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन भी जीरो हो गया. इसकी वजह से जो भी मसल मास बॉडी बनाती थी वो जो है एकदम हार्ड कोर मसल ही होता था. उसमें बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं होता था, बिल्कुल भी फैट नहीं होता था. जो भी इससे गेन होगा आपको मसल मास ही होगा. हार्ड कोर मसल डेवलप करता है ट्रेनबोलोन. ये कुछ ट्रेनबोलोन की फॉर्म्स है जो मार्केट में अवेलेबल है. इनकी बायोलॉजिकल वैल्यूज कहीं तक सेम है या सेम ही एक्ट करती हैं, मगर कहीं कहीं पे डिफरेंस है. तो इंडिविजुअली सबको धीरे धीरे कवर करेंगे. अभी हम बात करते हैं ट्रेनबोलोन एसीटेट के ऊपर कि एक्चुअल में कैसे काम करती है. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है वो ट्रेनबोलोन एसीटेट ही है. बाकी की दो आती है उनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, मगर फिलहाल हम बात करते हैं ट्रेनबोलोन एसीटेट के ऊपर. फिर अब बात कर लेते हैं इस ड्रग के कुछ फायदों के ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग मानी जाती है. ये ड्रग का पहला रीजन जो बहुत बड़ी इतनी पॉपुलर ड्रग है वो है कि ये जीरो एस्ट्रोजेनिक है और जीरो वाटर रिटेंशन करती है. इन दोनों की वजह से जो बॉडी डेवलप होती है वो बहुत ही रिप्ड और क्लीन नजर आती है. देखने वाले को लगता है कि इस बंदे के पास काफी अच्छा मसल मास है और एट्रैक्टिव नजर आती है वो बॉडी, जिस वजह से इस ड्रग का हाईली यूज किया जाता है. इस ड्रग को यूज करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा जो मैसिव रीजन है इसका यूज करने का, वो यही है कि ये देती है आपको मैसिव स्ट्रेंथ गेन. इसके ऊपर जो स्ट्रेंथ गेन आता है वो अमेजिंग होता है. लोग बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं ट्रेनबोलोन को यूज करने के बाद और बहुत ही अच्छा गेन कर लेते हैं बहुत ही आसानी से. इतनी मुश्किल नहीं होती है जब इस ड्रग का यूज किया जा रहा होता है. तो ये बहुत ही क्वालिटी मसल मास दिखाता है और बहुत ही जल्द वो फास्ट गेन नजर आता है लोगों को, जो उन्हें चाहिए होता है. जो लीन मस्कुलर बॉडी लोग चाहते हैं वो ये ड्रग देता है उन्हें, और बहुत ही आसानी से. तो अब बात कर लेते हैं इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स के ऊपर कि ये ड्रग आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स दे सकता है. तो देखिए ट्रेनबोलोन को सबसे ज्यादा हार्श ड्रग भी माना गया है, क्योंकि इसकी टेस्टोस्टेरोन से जो इसका रेशियो है वो 1:5 है. यानी कि टेस्टोस्टेरोन जब 100 है तो ये 500 है. तो इसकी जो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज है एक्ट करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. फ्लूइड रिटेंशन ना होने की वजह से भी बॉडी को बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है. कॉमनली जो ये स्टैक की जाती है ये विनस्ट्रॉल और टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट के साथ की जाती है. ये दोनों ड्रग भी वाटर रिटेंशन नहीं करते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन के भी साइड इफेक्ट्स झेलती है, जिसके अंदर आ जाती है आपके जॉइंट्स पेन, लिगमेंट्स पेन और साथ में जॉइंट सॉरनेस. ये 3-4 तरह के साइड इफेक्ट जो आपको जॉइंट्स की तरफ से फेस करने पड़ सकते हैं इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स के ऊपर. तो जैसा कि हमने पहले बात किया कि ये ड्रग है नेंड्रोलोन की डेरिवेटिव, यानी कि इसको डेकाडेरोबिलिन से डिराइव किया गया है. तो डेकाडेरोबिलिन का एक साइड इफेक्ट है कि वो प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ा देता है. तो वो जो था वो भी इसमें 5 गुना हो गया. यानी कि जहां डेका जो है अगर आप उसके रेशो को 1 मानते हैं तो इसमें वो 5 गुना ज्यादा होगा. प्रोलैक्टिन लेवल्स को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. कैसे प्रोलैक्टिन लेवल्स को कंट्रोल करें इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, जिसके ऊपर हम कॉमन साइड इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और कौन कौन सी वो मेडिसिन हैं
जो उनको फिक्स करने के लिए यूज की जाती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल ये प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ा देती है 5 गुना ज्यादा, जिसकी वजह से आपको गायनो हो सकता है, ऑल्दो ये जीरो एस्ट्रोजेनिक है उसके बाद भी। और इससे जो गायनो होता है वो पेनफुल होता है, यानी कि आपको उस गायनो में दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो था जो अपने पूर्वजों से लेकर आई है, अब बात कर लेते हैं कि आपको स्किन लेवल पे क्या साइड इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस ड्रग का सबसे हार्श इफेक्ट देखा गया है स्किन के ऊपर। तो सबसे पहला जैसे साइड इफेक्ट आता है वो आता है ऑयली स्किन, दूसरा जैसे साइड इफेक्ट आता है वो आता है स्किन पे एक्ने, तीसरा जैसे साइड इफेक्ट आता है स्किन के ऊपर वो है कि आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देगा अनवांटेड एरियाज के ऊपर, और चौथा और सबसे डेंजरस जैसे साइड इफेक्ट आता है ये आपको कुछ स्किन डिजीज भी देता है, जिससे आपके चेहरे के ऊपर रेडनेस आ जाती है। तो इस डिजीज का नाम है सेब्रिया। कॉमनली इसको जो है डॉग्स के अंदर देखा जाता है, मगर इस ड्रग का इस्तेमाल करने की वजह से ये ह्यूमंस के अंदर भी नजर आती है। तो ये जब लोगों को हो जाती है तो उनका फेस कुछ ऐसा दिखाई देता है और स्किन के और भी हो सकती है, तो ये भी इसे एक बड़ी प्रॉब्लम है। मगर देखा गया है कि जब इसको विंस्टॉल के साथ स्टैक किया जाता है तो ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से विंस्ट्रॉल को स्टैक किया जाता है ट्रेनबोलोन के साथ, जो यहाँ पे वो कुछ स्किन डिजीज में भी आपको हेल्प करती है, मगर उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जो हमने विंस्ट्रॉल वाली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके विंस्ट्रॉल का वीडियो भी देखें। अलावा कुछ जनरल लाइफ में भी चेंजेस लाती है, जैसे कि आवाज में आपकी वॉइस डीपनिंग कर देना, साथ ही साथ जो है आपको हेयर लॉस देना। इससे अगर आपको हेयर लॉस होगा तो वो बाल कभी वापस नहीं आएंगे, आपके बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो उसके ऊपर भी खास ध्यान रखना होता है। क्योंकि इसकी एनाबॉलिक वैल्यू 500 है तो ये डीएसटी में हाई कन्वर्जन करती है, वहीं पे आप इसके साथ जो स्टैक करते हैं वो कुछ डीएसटी डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग इसके साथ अनावर या फिर विंस्ट्रॉल को भी स्टैक में रखते हैं। ये दोनों ही डीएसटी डेरिवेटिव है, और साथ में इसका 500 एनाबॉलिक वैल्यू के साथ आप हाई रेंज ऑफ डीएसटी पे चले जाते हैं, जिससे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपके बाल उड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर, जहां पे आपको दिक्कत देती है। तो जब हम कार्डियोवैस्कुलर की बात करते हैं तो वहां पे बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, और ये मेडिसन आपके कोलेस्ट्रॉल को घुमाकर रख देगी, बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के साथ खेलती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा हाइप कर जाता है इस ड्रग के ऊपर, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी रिलेटिव ड्रग्स का यूज किया जाता है, साइड इफेक्ट्स की सीरीज में उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही में देती है आपको ये गायनो। गायनो क्यों देती है, जो हमने पहले ही बात कर लिया प्रोलैक्टिन की वजह से आपको गायनो होता है, तो उसको भी ट्रीट करना बहुत कंपलसरी होता है, जो जर्मनी लोग मिस कर देते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो आपको जो है इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या लें और कैसे लें, बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को यूज करना। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज और हाफ लाइफ के ऊपर। तो ट्रेनबोलोन एसीटेट की हाफ लाइफ है 3 डेज, और लगभग 7 से 8 दिन के अंदर बॉडी से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाती है ये ड्रग, 3 दिन तक ये सर्वाइव करती है। बात कर लेते हैं इसके डोजेस के ऊपर, तो गाइस इसकी जनरली बहुत हाई डोज लेने की जरूरत नहीं होती है, और इंटेलिजेंट ट्रेनर बहुत हाई डोज देते भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ और ऑलरेडी ऐसी ड्रग्स चल रही होती हैं जो बॉडी को कटिंग करने में हेल्प करती हैं। देखा जाए तो 50 से 80 mg डोज तक ये बहुत अच्छा काम करती है ट्रेनबोलोन अपने। इससे ऊपर के डोज में एज सच रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस ना आकर आपके साइड इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो इस ड्रग की हाई डोज लेने की जरूरत नहीं होती है। जब तक आपको बहुत अच्छा वर्कआउट एक्सपीरियंस और सब कुछ नहीं हो गया है, तो आप बहुत हाई डोज पे जाने की, किसी भी ड्रग के पे हाई डोज पे जाने की कोशिश ना करें, कम डोज में ही आप उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करें। तो गाइस ये था वीडियो ट्रेनबोलोन के ऊपर, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।